गाइस, एशिया के सबसे अमीर परिवार में उत्तराधिकारी चुने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि मुकेश अंबानी अब आगे की बागडोर अपने बच्चों को सौंप रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉन्ग्लोमरेट के कई ऑपरेशंस का हिस्सा बनी उनकी बेटी ईशा अंबानी अब इसके रिलायंस रिटेल की चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बनेंगी। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर अब पूरे चांसेस यही हैं। ईशा अंबानी वर्तमान में रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की डायरेक्टर हैं। उन्हें चेयरमैन बनाए जाने की खबरें तब आ रही हैं जब अभी मंगलवार को उनके ही जुड़वा भाई आकाश अंबानी को टेलीकॉम यूनिट का चेयरमैन बनाया गया है। रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो रिलायंस ग्रुप की सब्सिडियरीज हैं। $217 बिलियन की वैल्यू के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉन्ग्लोमेरेट की फ्लैगशिप कंपनी है। गाइस, आपको क्या लगता है कि ईशा अंबानी और आकाश अंबानी इन पदों को जस्टिफाई कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, वो कहते हैं ना कि उम्र नहीं बल्कि सोच बड़ी होनी चाहिए। जी हाँ गाइस, इस बात को सच साबित किया है मिकाइला उर्मेन नाम की एक लड़की ने, जो कि महज 11 साल की है। और महज 11 साल की उम्र में इस लड़की ने शुरू किया था नींबू पानी का बिजनेस और अब वो करोड़पति बन चुकी है। अक्सर जब भी कोई इंसान कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए, लेकिन ऐसा सपना सभी का सच नहीं होता। फिलहाल वो सिर्फ 17 साल की हैं और एक बड़ी बिजनेस आइकॉन बन चुकी हैं। शुरुआत में मिकाइला ने अपने घर के बाहर से ही एक स्टॉल लगाकर लेमोनेड बेचना शुरू किया था। nypost.com के अकॉर्डिंग उनकी कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब साल 2016 में सुपरमार्केट कंपनी होल फूड्स मार्केट ने मिकाइला के ब्रांड से एक डील की और तकरीबन 85 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उन्हें एक साथ मिल गए। गाइस, क्या आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। गाइस, जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके साथ जुड़ जाते हैं सुख दुख और संघर्ष, और ऐसे में कई बार हमें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। पर जरूरत होती है हमें अपनी भावनाओं यानी कि इमोशंस को समझने की, साथ ही हमें चाहिए स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी, सही सोच अवेयरनेस और खुद को एनालाइज करने की क्षमता। गाइस, आप भी खुद को कामयाब बना सकते हैं और इसके लिए आप द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की बुक समरी कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए। गाइस, बुलेट इंडिया, जहां हर साल इंडिया में 60,000 से ज्यादा बाइक्स बेच देती है, वहीं हार्ले डेविडसन ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 30,000 बाइक्स इंडिया में बेची। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहला, हार्ले डेविडसन इन 10 सालों में इंडिया के बाइक मार्केट को कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि भले ही इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट हो, लेकिन 90% से ज्यादा लोग यहां पर 150 सीसी से कम वाली बाइक यूज करते हैं, जो कि 1,00,000 से भी कम की रेंज में आसानी से मिल जाती है। वहीं हार्ले डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक ही 5,00,000 रुपए से शुरू होती है, जिस कीमत में इंडियंस एक अच्छी कार खरीद सकते हैं। दूसरा रीजन, साल 2019 में BS6 के नॉर्म्स के मुताबिक बाइक्स पर कुछ कड़े नियम लगाए गए थे ताकि साउंड पॉल्यूशन ना हो, और हार्ले डेविडसन की बाइक की खासियत उसकी एक्सेसिव साउंड थी, जिसके कारण उसे करीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और उसे इंडिया को छोड़कर भी जाना पड़ा। वैसे गाइस, आपकी पसंदीदा बाइक कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।